नमस्कार मित्रांनो जिनी सायन्समध्ये आपलं तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप 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 स्वागत आहे मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण सविस्तरित्या जाणून घेणार आहोत ॲटॉमिक मास नंबर म्हणजे या अगोदरच्या व्हिडिओजमध्ये इलेक्ट्रॉनचं रिसर्च कशा स्वरूपामध्ये झाला त्यानंतर प्रोटॉनचा रिसर्च कशा स्वरूपामध्ये झाला आणि प्रो न्यूट्रॉनच्या बाबतीतसुद्धा रिसर्च कसा झाला आणि कोणी केला कॅथोड रेज वगैरे काय असतात आणि कोणत्या कोणत्या ठिकाणावरून कॅथोड रेज निघतात आणि नि कुठं पोचतात आणि यांच्या प्रोसेसमधून इलेक्ट्रॉनचं संशोधन कशा स्वरूपामध्ये झालं हे आपण या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सविस्तरित्या पाहिलेलं आहे यानी की इसके पहले जो व्हिडिओ हमने देखा है उसके पहिले व्हिडिओ में मैंने बहुत सारा आपको कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है अगर के लिस्ट में अगर आप जाओगे तो वहां आपको मैंने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अपलोड किए वाले वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं ओके okay? तो अभी उसका नेक्स्ट का जो पार्ट है आगे का जो पार्ट है और वो पार्ट है यानी कि एटॉमिक मास नंबर इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर यानी कि कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर बोले तो क्या है थोड़ा सा मैं इसका रिवीजन करके मैं आपको बता देता हूं ये देखो इस तरह से एटॉमिक कंसेप्ट है ये कंसेप्ट के बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स वगैरह हमने देख लिए है जो भी कुछ बच्चे नए होंगे उन बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा सा पीछे जाके इस वीडियो इसके बारे में जो कुछ भी वीडियोस है वो वीडियोस आप पूरे देख सकते हैं उसके लिंक भी आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सेंड करूंगा वो आप बाद में देख सकते हैं वीडियो एंड होने के बाद ये कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर बोले तो एटम के न्यूक्लियस में जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन जो कुछ भी प्रोटॉन की संख्या रहती है उसी प्रोटॉन की संख्या को हम एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं यानी कि समझो एक हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के समझो एक हाइड्रोजन है इस तरह से तो हाइड्रोजन के बॉटम को कुछ एक नंबर दिखाई दिया लिखा जाता है उसके बाद आप आगे पर अगर आप लिथियम के बारे में सोचते हो तो लिथियम के लिए यहां एक 3 ऐसा लि, लिखा दिया जाता है उसके बाद अगर आप नेक्स्ट कौन सा भी अगर सोडियम है तो सोडियम के लिए यहाँ एलेवन लिखे जाते हैं ओके okay, उसके बाद अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के लिए ट्वेल्व लिखा जाता है ये क्यों लिखा जाता है तो इनके बीच यानी कि इनका जो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ ये जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस का जो सेंटर है सेंटर में जो कुछ भी प्रोटॉन की संख्या रहती है वो प्रोटॉन की संख्या बोले तो एटम का एटॉमिक नंबर रहता है यानी कि एटॉमिक नंबर के ऊपर वो डिपेंड करता है तो इसके बाद हम यहां और भी आपको मैं आगे का पार्ट यहाँ बताने जा रहा हूं और वो है एटॉमिक मास नंबर के बारे में ओके तो एटॉमिक मास नंबर हम किस तरह से देखते हैं चलो तो इस तरह से कुछ पॉइंट मैंने यहां एक्सप्लेन करके आपको बताए हैं इस तरह से मूसले के बारे में यानी कि मूसले ने बता दिया है कि एटम के सेंटर में जो कुछ भी न्यूक्लियस रहता है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस रहते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्जेस सॉरी निगेटिव नहीं ओनली पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस आर सिचुएटेड ऑन द न्यूक्लियस एंड दैट पॉजिटिव चार्जेस आर ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटोन्स इन साइड एटम के अंदर जो कुछ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं उनके संख्या के ऊपर उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हम हमको यहाँ दिखाए यानी कि बताया जाता है उस उसके बाद आगे का पार्ट क्या है एटॉमिक नंबर में कैलकुलेट दी पॉजिटिव चार्जेस ओके इस तरह से यानी कि ये जो न्यूक्लियस है यहां जो मैं आपको न्यूक्लियस बता रहा हूं ये में जो कुछ भी एटम की प्रोटॉन की संख्या रहती है उसी संख्या को उसी संख्या के हिसाब से हम उसी एटम का एटॉमिक नंबर इंडिकेट करते हैं ओके आगे का पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये देखो इस तरह से डिफाइन द एटॉमिक नंबर गिव द रिलेशन बिटवीन

पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट समझो कुछ हमने आ, सोडियम का एटम दिखा रहे हैं तो सोडियम के एटम के अंदर जो कुछ भी न्यूक्लियस रहता है न्यूक्लियस पे उसकी न्यूक्लियस में एलेवन प्रोटॉन्स रहते हैं और एलेवन प्रोटॉन्स रहने की वजह से उसके ऊपर यानी कि समझो ये न्यूक्लियस है और ये पूरा एटम है तो अंदर एलेवन प्रोटॉन्स रहते हैं और एलेवन प्रोटॉन्स रहने की वजह से ये न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस भी एलेवन पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं और इसीलिए उसके ऊपर 11 पॉजिटिव चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं और वही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बोले तो जितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस पे रहेंगे उसका उतना एटॉमिक नंबर रहता है ओके okay, आगे का पार्ट और हम देखते हैं देखो इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट ये पर्टिकुलर और स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आपको यहां दिखा रहा हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोस्तो आप जो कुछ भी बहुत सारे बच्चे नए होंगे तो बच्चों के केले होय मित्रांनो इथं मला का बरेच जण मराठीमधून बोला म्हणत आहेत तर मराठीमधून एवढ्यासाठी बोलता येणार नाही कारण का की बरेच विद्यार्थी आपले महाराष्ट्र आहेत महाराष्ट्राच्या बाहेरचे सुद्धा विद्यार्थी आहेत आणि जे गुजरात बॉर्डर असतील मध्य प्रदेश बॉर्डर असतील तिथून शिकणारेसुद्धा विद्यार्थी असतील इकडे तेलंगणाच्या बॉर्डरचे असतील तिकडं छत्तीसगडच्या बॉर्डरचे असतील बरेच विद्यार्थी आपले महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवरची आहेत आणि ते हिंदी चांगल्या प्रकारे समजतात आणि ज्या आपण मराठी आहेत मराठी विद्यार्थी भरपूर चांगल्या प्रकारची हिंदी समजू शकतात म्हणून मी मराठी आणि हिंदी या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन एकत्रीकरण करून आपण मी इथं शिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे ओके दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून मी शिकवत आहे त्यासाठी आपण दोन्ही लँग्वेजमधून आपण कव्हर करून घ्या कारण का मी नुसतं जर मराठी बोलत राहिलो तर मग सगळ्या विद्यार्थ्यापर्यंत मला कसं पोहोचता येईल इथं सुजाता चिल्लरगे प्लीज मराठी बोला सर ओके मराठी आपण मराठी आणि हिंदी तसं नाही मित्रांनो मराठी हिंदी इंग्रजी तिन्ही लँग्वेजमधून आपल्याला शिकावं लागणार आहे आणि तुम्हाला जे काही आन्सर रायटिंग करायची आहे ती सगळी आन्सर रायटिंग ही इंग्रजीमधून करायची आहे म्हणून आपले बरेच विद्यार्थी ही खूप मोठा पसार आहे आपला आता तुम्हाला सांगायचं म्हणजे आपलं चॅनल भारत तसेच भारताच्या बाहेर सुद्धा भारतातील इतर राज्य भारताच्या बाहेर सुद्धा बऱ्याच देशातून आपलं चॅनल पाहिलं जातं आपले विद्यार्थी बऱ्याच देशामध्ये आहेत त्यामुळं आपण नुसतं मराठी बोलत राहिलो तर त्यांना मराठीतून समजणार नाही मग ते मला पुन्हा म्हणतात की सर हिंदी मे बोलो ना सर अंग्रेजी मे बोलो ना तर मग आपण ऐकायचं कोणायचं लक्षात येते ना सगळ्यांच्या सगळ्यांच्या लक्षात येते ना माझे अडचण समजून येते ना हां तुम्हाला मराठी फक्त समजावून सांगण्याचा माझा उद्देश आहे समजावून सांगणे बस एवढंच आहे त्यामुळं मराठी हिंदी एक लक्षात या मित्रांनो माझीसुद्धा हिंदी तेवढी परफेक्ट नाही आहे माझीसुद्धा हिंदी हंड्रेड पर्सेंट प्युअर नाही आहे पण मी ट्राय करतोय मी ट्राय करतो आहे कारण का पर्याय नाही आहे पर्याय नाही म्हणण्यापेक्षा बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे आणि नुकसान होत असल्यामुळे मला पाणी घ्यावर नुकसान होत असल्यामुळे मी हे हिंदीमधून बोलतो आहे समजून येते ना सगळ्यांना समजता आहेत ना, ना सगळे सर आम्हाला पण इंग्लिश जास्त नाही कळत ओके नो प्रॉब्लेम बेटा इंग्लिश जरी तुम्हाला समजत नसेल तर मी तुमच्यासोबत आहे घाबरून जाण्याची मुळीच आवश्यकता नाही तुम्हाला मला मराठीमधून तर प्रचंड प्रचंड मी चांगल्या स्वरूपामध्ये मी शिकवू शकतो प्रचंड सुंदर खूप सुंदर स्वरूपामध्ये शिकवू शकतो मराठीमधून परंतु सर्व विद्यार्थ्यांना प्रॉब्लेम ओके चलो सुरू करते ओके okay, आगे का पार्ट ले, ले लेता हूं थोड़ा सा यहां भी सेटिंग में भी प्रॉब्लम आया था एटॉमिक नंबर झड़ से हम इंडिकेट करते हैं okay, कि तो और, ये किसके बराबर है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी प्रोटॉन्स की संख्या रहती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रहती है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हम समटाइम्स एटॉमिक नंबर कह सकते कह सकते क्योंकि लेकिन किसी सम कंडीशंस में सम कंडीशन में ये थोड़ा सा बदलता है क्योंकि यानी कि न्यूक्लियस समझो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है और प्रोटॉन की संख्या उतनी ही कांस्टेंट रहती है इसलिए आयन के बारे में ये जो है इक्वेशन आयन के बारे में ये आयन के बारे में यानी कि मैच नहीं होता आयन के बारे में ये बराबर नहीं है ओके मोस्टली हैज गिव द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी इज एज फॉलोज इस तरह से मोस्टली ने इक्वेशन दे दिया है जो मैंने अभी आपके लिए हीडि, हीडिंग दी है ये हीडिंग अभी हम देख रहे हैं ओके अभी हम देख रहे ओके चलो तो एटॉमिक मास नंबर ये देखो एटॉमिक मास नंबर अभी हम मेन पॉइंट पे आ रहे हैं इससे पहले मैंने जस्ट आपको डिस्कशन लिया है और देखो क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है डिफाइन न्यूक्लियॉन्स एंड एक्सप्लेन मास नंबर डिफाइन न्यूक्लियॉन्स एंड एक्सप्लेन मास नंबर न्यूक्लियन बोले तो क्या हम किसे न्यूक्लियॉन कहते हैं यानी कि जो कुछ भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं यानी कि जो कुछ भी पार्टिकल्स पार्टिकल्स आर इन साइड दी न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी पार्टिकल्स रहते हैं उसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं न्यूक्लियॉन्स कहते हैं और जो न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं अभी आपको मैं यहां आ, स्पेशली बता रहा हूं समझो ये समझो एक एटम है एटम का ये न्यूक्लियस है अगर ये न्यूक्लियस में जो कुछ भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को हम बजले न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को हम देवी अनिल बस सुनो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं इस तरह से हम उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं और इसी न्यूक्लियस के बाहर जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं समझो ये फर्स्ट ऑर्बिट है उसके बाद इस समझो ए सेकंड ऑर्बिट है और इन ऑर्बिट में जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन समझो ये एट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इस तरह से तो ये रहे इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट आर जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस सो दीज आर कार्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इसे हम क्या करते हैं क्या कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और जो कुछ भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है उन्हें हम न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं

सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या कह रहा हूं मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द्यूक्लियॉन्स इन द्यूक्लियसमिक पार्टिकल्स इन द्यूक्लियस एन एम दैट इज दोटो एंड न्यूट्रॉन आर कार्ड न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं न्यूक्लियॉन्स कहते हैं ओके okay, और ये जो आप थोड़े से जल्दी मत करिए जल्दी मत करिए क्वेश्चन पूछने का भी आगे आगे मैं पूरा बताने वाला हूं ओके okay? तो ये न्यूक्लियंस कहते हैं यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी पार्टिकल्स रहते हैं उन पार्टिकल को हम न्यूक्लियंस कहते हैं ओके होल मास ऑफ एटम इज एट न्यूक्लियस यानी कि एटम का जो कुछ भी मास रहता है समझो ये न्यूक्लियस है और इस तरह से पूरा एटम है तो एटम का पूरा के पूरा मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दी न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है okay? nucleus, it, it, कि उसके सर, around, क्या करते मीन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व राउंड दी न्यूक्लियस बट न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से प्रोटॉन्स आर न्यूट्रॉन्स रहते हैं ओके एंड हैव नेग्लिजिबल मास कुछ भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं

कंट्रीब्यूट करते हैं यानी कि जो कुछ भी हम यहाँ एटम का मास बता देते इस तरह से समझो ये जो कुछ मैं आपको यहां बता रहा हूं इस तरह से तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है बाहरी इस तरह से रिवोल्यूशन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन कितने भी रहे लेकिन उनका मास बहुत बहुत कम होता है बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है मास बोले तो उसका वस्तुमान मास बोले तो वस्तुमान मास बोले तो वस्तुमान, तो वस्तुमान। यहां किसी ने तो क्वेश्चन पूछा है सारिका भागवत वॉट इज मास मास म्हणजे वस्तुमान ओके प्रेझेंट ॲट द न्यूक्लियस सो दे कॉन्ट्रीब्यूट ऑल मास ऑफ द ॲटम म्हणजे ॲटमचं पूर्ण जे काही वस्तुमान असेल ते वस्तुमान म्हणजेच पूर्णतः ॲटमचं मास असतं लक्षात घ्या आता तुम्ही जे काही इथून पुढं जरी अकरावीचे मुलं आहेत तुम्ही तुम्ही अकरावीचे विद्यार्थी आहेत आणि अकरावीचे विद्यार्थी असल्यामुळे तुम्हाला हे सर्व इंग्रजीमधून समजून घ्यायचे त्यामुळे हो तुम्ही जर सातत्याने व्हिडिओ पाहत राहिलात सातत्याने पुस्तकं वाचत राहिलात सातत्याने अडचणी पुस्तकामध्ये पाहत राहिलात किंवा म्हणजे सगळं विचारत राहिलात तर ह्या सगळ्या कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर होणार आहेत आणि जर तुम्ही जर मला मराठीतूनच सांगा जर म्हटलात तर मात्र तुम्हालाच त्याच्या अडचणी येऊ शकतात प्रचंड अडचणी येऊ शकतात तुम्हाला ओके आणि मग इथं सांगतोय आपण बट दी प्रोटॉन्स अँड न्यूटॉन्स प्रेझेंट ऍट दी न्यूक्लियस सो कॉन्ट्रीब्यूट ऑल मास ऑफ द एटम याने की ऍटम का पुरा का पुरा मास हम इमॅजिन करते है. ओके आता पाहूया आपण एटॉमिक पास हे पहा न्यूक्लिओन्स म्हणजे काय मी तुम्हाला सविस्तरित्या सांगितलेलं आहे न्यूक्लिऑन्स म्हणजे काय न्यूक्लियसच्या आत साईडला जे काय प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्सची संख्या असते त्या एकूण संख्येला आपण न्यूक्लिओन्स म्हणत असतो ओके उदाहरणार्थ सिरसाट फॅमिली समजा माझ्या कुटुंबामध्ये जे काही लोक असतील त्यांना आपण सिरसाट फॅमिली असे म्हणतो एखादी पवार फॅमिली असेल तर पवाराच्या कुटुंबामध्ये जे काही लोक असतील ती झाली पवार फॅमिली म्हणजे पर्सन्स न्यूक्लिओन्स तशा पद्धतीने आपण पवार फॅमिली म्हणतो तशा स्वरूपाने हे न्यूक्लिअन्स आहेत म्हणजे न्यूक्लिअसच्या आत असणाऱ्यांना आपण न्यूक्लिओन्स असे म्हणतो ओके आता पुढचा पॉईंट पुर्ण दिला तुम्हाला यामध्ये विचारलेला आहे इथे काय विचारलंय पहा इथं विचारलेलं आहे इथं काय विचारले बा द सम ऑफ ॲटॉमिक मास म्हणतोय आपण ॲटॉमिक मास ॲटमचं मास म्हणतोय जर आतापर्यंत तुम्ही या चॅनलवर प्रथम असाल जे जे कोणी विद्यार्थी नवीन आहेत त्या सर्व विद्यार्थ्यांना सांगतो की आपण चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबा जेणेकरून की इथून पुढं अपलोड केलेल्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील ओके त्यासाठी बेल आयकॉन दाबा जिनियस सायन्स एजू डॉट कॉम वेबसाईटला सुद्धा भेट द्या तिथं रजिस्ट्रेशन करा आणि विशेष सांगायचं म्हणजे हा व्हिडिओ निश्चित तुम्हाला आवडणार त्यामध्ये कसल्याच पद्धतीचं दुमत नाही तर या व्हिडिओला लाईकसुद्धा करायला विसरू नका बऱ्याच जणांनी आणखी लाईक केले नाही आहे आणखी बऱ्याच जणांनी लाईक केले नाही फक्त व्हिडिओ आहेत आणि निवांत जात आहेत मित्रांनो मी चांगलं काम करतो तुम्ही चांगलं काम करतायत आणि इतर मित्रांपर्यंत शेअर सुद्धा करा कारण का चांगल्या बाबी आपण निश्चितच चांगल्या लोकांपर्यंत पोचवायला पाहिजे चांगल्या बाबी चांगले लोक चांगल्या लोकांपर्यंत पोहोचवितात तर शेअर करणे हे निश्चित तुमच्यासाठी चांगलं आहे कारण का यातून काहीतरी पुण्याचं काम शकार ट, आ, तुम्ही करत असता मी जसं सकाळपासनं सकाळी आठ वाजल्यापासून तसं तर सकाळी सहा वाजल्यापासून मी टिकट कामाला लागत असतो दिवसभर पूर्णतः प्रोसेसमध्ये असतो मी तुमच्यासाठी दिवसभर आहे तर तुम्ही फक्त माझ्यासाठी एक शेअरचं बटन दाबायचे आणि एक लाईकचं बटन दाबायचं शेअर करून दुसऱ्याला पाठवायचे आणि एक लाईकचं बटन दाबायचे एवढंच तुमच्याकडनं मी अपेक्षित ठेवतो ओके चला

और दिस न्यूक्लॉन इज कार्ड एज एट मास नंबर ये देखो द सम ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियंस ओके द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कार्ड मास नंबर ऑफ दैट एटम त्या एटम ला काय म्हणतो आपण त्यांचा मास नंबर असे म्हणतो आपण दैट इज कार्ड एज मास नंबर अर्थ कळाला ना तुम्हाला न्यूक्लियसच्या आत जे काही प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स असतात हे पाय बडा मोठा न्यूक्लिअस इथं दाखवला आहे तुम्हाला मी अशा पद्धतीचा हा एक न्यूक्लिअस आहे न्यूक्लिअसच्या बाहेरच्या साईडला अशा वेगवेगळ्या कक्षा आहेत आणि या कक्षामध्ये इलेक्ट्रॉन्स रिव्होल्युशन करत असतात पण हा मदा जो मदामध्ये इथं जो तुम्हाला लाल आणि निळ्या रंगाचा जो काही पार्ट मी दाखवलेला आहे लाल आणि निळ्या रंगाचा जो काही पार्ट दाखवलेला आहे ते पार्ट्स म्हणजे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन्स आहे आणि यांची एकूण बेरीज म्हणजे काय येतं असते ॲटॉमिक

ओके okay, त्यानंतर पुढचा पॉईंट आपण यामध्ये पाहूया यानंतर पुढचा पॉईंट ॲटॉमिक मासचा डेफिनेशन दिलेलेच आहे तुम्हाला इथे पहा ओके इट इज डिनोटेड बाय ए किस्से किया जाता आहे ये ओके <coughs> okay, इथे एक प्रश्न विचारलेला आहे आदेश पोपलेने तर मध्ये न्यूक्लिअसच्या मधामध्ये क्वेश्चन काय विचारले आहे सर फेन प्रोटॉन प्रेझेंट इन न्यूक्लियस देन व्हाय इलेक्ट्रॉन डोंट कोलाइड विथ प्रोटॉन्स इन दी न्यूक्लियस तर मित्रांनो न्यूक्लियस हा अगदी अतिशय टनक असतो आणि टनक असणाऱ्या कवचामध्ये हे पूर्णतः प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स असतात मध्ये या कवचाच्या आत ॲटम आट। ॲक्च्युली कसा असतो पहा उदाहरण सांगतो तुम्हाला ॲटम ॲक्च्युली आपल्या नारळासारखा असतो नारळाच्या बाहेरच्या जे जटा असतात त्या जटा म्हणजे वेगवेगळ्या सेल्स वेग अँड वेग सबसेल्स ऑर्बिटल्स असतात वे त्याच्या मधल्या साईडला नारळाच्या मधल्या साईडला जी एक टनक अशी करवंटी असते टनक तशा स्वरूपाचा हा न्यूक्लियस असतो ह्या बाहेरच्या साईडला नारळाच्या बाहेरच्या साईडला ज्या काही जटा असतात त्या म्हणजे सेल असतात मधल्या साईडला नारळाच्या मधल्या साईडला जी काही करवंटी असते जे टनक असते त्याला आपण न्यूक्लियस असे म्हणू शकतो न्यूक्लियस तो टनक असतो आणि न्यूक्लियसच्या मध नारळाच्या मधल्या साईडला जे पांढरा पार्ट असतो ते प्रोटॉन्स गृहित धरा आणि जे पाणी असतं ते न्यूट्रॉन्स गृहित धरा म्हणून या नारळाच्या आतल्या बाजूला न्यूक्लियसच्या आतल्या बाजूला प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स असतात न्यूक्लियस सहजासहजी ब्रेक करणं शक्य होत नाही न्यूक्लियस जर ब्रेक केला जातो फक्त ॲटॉमिक पॉवर स्टेशनमध्ये तिथं न्यूट्रॉन्सचा मारा केला जातो आणि न्यूक्लियस ब्रेक केला जातो आणि न्यूक्लियस ब्रेक केल्याच्यानंतर प्रत्येक के न्यूक्लियस पासून पुन्हा परत तीन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स निघत असतात आणि प्रचंड प्रमाणामध्ये एनर्जी बाहेर पडत असते म्हणून न्यूक्लियस सहजासहजी ब्रेक करताच येत नाही म्हणून त्यांचं कोलिजन इथं होत नसतं समजलं ओके न्यूक्लियस खूप टनक असतो आणि न्यूक्लियसच्या आत प्रोटॉन्स असतात नारळाच्या आत जसा पांढरा खोबरं असतं तशा स्वरूपामध्ये आणि जरी न्यू इलेक्ट्रॉन्स बाहेरून जरी फिरत असले तर मध्ये त्यांचं कोलिजन होऊ शकत नाही ओके मग इट इज डिनोटेड बाय ए किस्से डिनोट किया जात आहे ए से इट इज मेजर्ड बाय युनिट किलोग्राम और एटॉमिक मास यूनिट हां कशाने दर्शविला जातो म्हटलाय किलोग्राम इट इज मेजर्ड बाय यूनिट केजी केजी से मेंशन किया जाता है किलोग्राम से मेंशन किया जाता है ओके okay, इसके बाद आगे का पार्ट है इट इज डिटरमाइंड बाय इक्वेशन एक इक्वेशन के आधार पर हम इसे मेजर कर सकते हैं तो कौन सा है देखो एट मास नंबर ए मास नंबर ए दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मास नंबर ए इक्वेशन नहीं है हमें एटम का मास नंबर इंडिकेट करना है तो हम किस तरह से एक इक्वेशन के आधार पर हम मेंशन कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इस तरह से ये देखो मैं अभी आपको यहां दिखा रहा हूं मास मास नंबर ए दिस इज द मास नंबर ए बराबर है इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोले तो दिस इज कार्ड एज नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोले तो दिस इज कैपिटल एन यानी किसी भी आटम का मास नंबर आपको बताना है number of protons बोले तो तो बोले हम जड़ से इंडिकेट करते हैं यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कार्ड एज एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर दोनों की अगर हम एडिशन करते हैं तो दैट सम इज कॉल्ड एज मास नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम कौन से भी एटम का एटॉमिक नंबर वो रहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज अब देखो अब हम हमने क्या किया अभी ये इज इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू जड प्लस एन है ये इज एटॉमिक मास नंबर है ओके झड़ इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड यन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको यन निकालना है तो यन के बराबर आप अगर इसे लिखते हैं तो ये बनेगा ए माइनस झड़ यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको अगर डिटरमाइन करना है इसके ऊपर अगर ये ए माइनस जेड है तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड ये तो समझ में आया होगा बार 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 मैं आपको बता रहा हूं ओके जनरल न्यूट्रल एटम कैन बी एक्सप्रेस एज जनरल न्यूट्रल एटम जनरल न्यूट्रल एटम कैन बी एक्सप्रेस एज कैन बी एक्सप्रेस एज फेर इज एटम ऑफ एलिमेंट जनरल हम कैसा रिप्रेजेंट करते हैं देखो वेयर एक्स इज एन एटम ऑफ एलिमेंट समझो एक एटम हो कौन सा भी तो देख समझो सोडियम uh, है तो सोडियम हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यने से रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट है तो एलिमेंट का सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ओके ओके एक्स है इज एटम ऑफ एलिमेंट ये इज द एटॉमिक नंबर एंड जेड इज द एटॉमिक ये इज द एटॉमिक मास एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर है ये देखो मैं यहां आपके लिए यहां रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं एक है आइसोटोप ऑफ क्लोरीन आइटम इज रिप्रेजेंटेड एज इस तरह से ये देखो ये जो है क्लोरीन है क्लोरीन यानी कि क्लोरीन के लिए हम यहां एक्स इस्तेमाल किए ये जो एक्स मैंने आपको यहां बताया है ना दिस एक्स इज कार्ड एज क्लोरीन ओके इसके बॉटम को जो हम सत्रह अकड़ा लिया लिखा है सत्रह नंबर जो लिखा है ये है एटॉमिक नंबर और इसके सर के ऊपर जो हम थर्टी नंबर लिख रहे तो ये थर्टी नंबर है एटॉमिक मास यानी कि दिस इज द एटॉमिक नंबर दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द एटॉमिक मास नंबर दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर और ये जो सीएल यहां दिखाया दिया हम मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है तो ये सीएल है द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट यानी कि ये क्लोरीन का सिंबल है इसलिए झड़ इज दिन एंड ए इज द थर्टी फाइव दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास अक्सर हम एटॉमिक मास नंबर किसी भी एलिमेंट के सर के ऊपर लिखा जाता है सर के ऊपर समझो हम कार्बन लिख रहे हैं कार्बन के ऊपर यहां जो कुछ लिखा जाएगा वो रहेगा एटॉमिक मास और ये जो बॉटम को लिखा जाएगा ये बॉटम का रहता है एटॉमिक नंबर मजे जो डोक्याल अस्त ते मजे अस्तो मास नंबर एटॉमिक मास नंबर नुस्त मास नंबर लील तरी चालत नुस्त मास नंबर लील तरी चालत किंवा ॲटॉमिक मास नंबर म्हटलं तरी चालतं ओके आणि जो बॉटमला आपण लिहितो दॅट इज कार्ड ॲज ॲटॉमिक नंबर ओके आणि मग आता पुढे काय सांगितलं एक हेलियमचं तुम्हाला मी संज्ञा इथं देत आहे दिस इज द ॲटॉमिक नंबर ऑफ हेलियम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ॲन ॲटम जे ॲटम समजा हे अशा स्वरूपाचं तुम्हाला मी हेलियमचं ॲटम दिला एटम आत साइड नंबर ऑफ प्रोटोन्स नंबर ऑफ प्रोटोन इज कार्ड एज एटोमिक नंबर ओके और इसके बाद जो मैं आपको दिखा रहा हूं दूसरा क्या है ये नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम यानी कि दोनों की एडिशन है ये जो चार है ना ये चार ये चार का क्या है तो चार ये बोले तो टू प्रोटोन्स प्लस टू न्यूट्रॉन्स two protons plus two neutrons is equals to four, and this is the atomic mass number. This is called as atomic mass number. ओके okay, यानी कि आपके समझ में आता होगा ओके okay, तो इस तरह से मैंने आपको एटॉमिक मास नंबर वगैरह बता दिया है कमल खिंडे टेल इन इंग्लिश बेटा सबको पढ़ाना है मुझे मराठी मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे सब बच्चों को पढ़ाना है इसीलिए मुझे तीनों लैंग्वेज का एक कंबिनेशन करना पड़ रहा है इसलिए मैं तीनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं कंप्लीटली मैं अगर मैं अंग्रेजी में बताऊंगा तो मेरे जो रूरल एरिया में जो ग्रामीण भाग में जो स्टूडेंट्स है उनके समझ में नहीं आएगा इसलिए मुझे हिंदी मराठी अंग्रेजी ये तीनों ही लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं और तीनों ही लैंग्वेज मुझे पढ़ाना होगा ओके okay, तो इस तरह से मैंने ये आपको बता दिया एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर इसमें कुछ डाउट है क्या आपको सब लोगों को ओके okay. मैं सब लोगों को इस सब बच्चों को सब स्टूडेंट को मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा सिलेबस में लेने वाला हूं केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स और मैथ और बायो ये चारों ही सब्जेक्ट का टीचिंग इसी चैनल पे लेने वाले हैं इसलिए आपको कहीं भी क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी पैसा मत खर्च करो पैसा वेस्ट मत करो जो क्लासेस में पढ़ाने वाले हैं जो ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाने वाले हैं उससे भी बेहतरीन मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ और जो दूसरे मैथमेटिक्स सर है वो भी पढ़ाने वाले हैं और बायो की भी सर बायो भी पढ़ाने वाले हैं इसलिए आपको कहीं भी क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं होगी पूरा का पूरा सिलेबस केमिस्ट्रीजिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ का हम इसी चैनल पे लेने वाले हैं इसी चैनल पे लेने वाले हैं इसीलिए आपको कहीं भी क्लास लगाने की जरूरत नहीं होगी ओके तो इसके बाद है देखो इस तरह से मैंने एटॉमिक मास नंबर आपको बता दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि कौन सा भी एक समझो एक एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी प्रोटॉन्स रहेंगे जो कुछ भी प्रोटॉन्स रहेंगे वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूक्लियस के बाहर जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या ये दोनों की संख्या सेम होती है अगर कोई एटम है तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स रहते हैं उतने ही उसमें न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है यानी कि समझो समझो एक हेलियम है समझो कि हेलियम है तो हेलियम में टू प्रोटॉन्स है तो बराबरी में टू इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इसीलिए जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होने की वजह से बेसिकली एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल म्हणजे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आणि टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्जेस आणि टोटल नंबर ऑफ निगेटिव्ह चार्जेस दोघांची संख्या सारखी असल्यामुळे एकूण जो काही ॲटमवर जो काही चार्ज असतो तो चार्ज कसल्याच प्रकारचा चार्ज नसतो सो ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल म्हणून ॲटम हा आपण इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतो असं म्हणतो ओके तर अशा पद्धतीने मी तुम्हाला ॲटॉमिक मास नंबर मी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे Okay.